विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु के तीन महामंत्र कौन से हैं, जो अगर आप विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें, उनका अनुसरण करें, उन्हें फॉलो करें, तो आप हर दुर्घटना से बच सकते हैं, हर तरीके से आपकी मन की इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो कौन से वो महामंत्र हैं वो आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भगवान विष्णु को संसार का पालन करता माना जाता है, ये आप जानते हैं। उनकी पूजा अर्चना करके मन की सारी इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जन्म कुंडली का दूषित बृहस्पति, अब ये दूषित बृहस्पति क्या हुआ भाई, बृहस्पति मकर राशि में आ जाए, बृहस्पति 0 से 6 डिग्री का हो, या फिर कहीं ना कहीं बृहस्पति 6, 8, 12 से अपना संबंध बनाए या पापी ग्रहों के साथ युति कर ले, तो ऐसे में बृहस्पति दूषित हो जाता है। भगवान विष्णु की उपासना करिए, शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेगा। और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से, देवगुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना करने से कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधा भी हर तरीके से टल जाती है। विशेष तौर पर जब ऐसा समय हो कि आप पर कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, आप टेंशन में हो, तो भाई मुसीबत के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, कहीं ना कहीं रामबाण बताया गया है, आपको हर मुसीबत से उबार सकते हैं, आपकी हर टेंशन का समाधान है। तो आप बिल्कुल ना घबराइए। अब वो कौन से महामंत्र हैं वो तो आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन विशेष कार्यों के लिए शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार काफी शुभ माना गया है। अभी तो कृष्ण पक्ष है, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन हो और शुक्ल पक्ष हो, उत्तम दिन ये होता है। निम्न मंत्रों का जाप आप उसी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि टेंशन अभी है तो आज ही के दिन से इसका जो है आप अनुसरण करिएगा। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन मंत्र को आप भलीभांति नोट कर लीजिए। ये तीन वो महामंत्र हैं जो भगवान विष्णु की परम कृपा, उनकी असीम कृपा आपको दिला सकते हैं। इन तीन मंत्रों का एकाग्रचित होकर, ध्यान से शांतचित होकर अगर आप जाप करें तो यकीन मान के चलिए रोग शांत हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों की शांति के लिए, शारीरिक मानसिक हर तरीके की तनाव से कष्टों से मुक्ति के लिए आप इन मंत्रों का अनुसरण जरूर करिए, इन मंत्रों का जाप जरूर करिए। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप आप उठते बैठते भी कर सकते हैं, अगर आप बीमार हैं आप अपने बेड पर बैठे बैठे इन मंत्रों का जाप करिए, आपके पास समय का अभाव है चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं, सोते जागते कहीं भी आप इन मंत्रों का अनुसरण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा, एकादशी या गुरुवार के दिन सूर्योदय के समय पीले आसन पर अगर आप बैठ जाएं या कुशा का आसन ले लें और गाय के घी का दीपक जलाकर इन मंत्रों का जाप करें, और जाप के बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाई या बेसन की मिठाई अर्पित करें, लड्डू अर्पित कर दें और छोटे बच्चों में बांट दें, ऐसा करने से भी आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, ऐसा करने से भी आपके घर में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगती है। तो भाई ये अद्भुत महामंत्र है, इनका अनुसरण कर लेना और भली भांति हो सके तो आप इसका कंटिन्यू जाप भी करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कुछ ही समय में आपकी शारीरिक जो व्याधियां थी वो खत्म हो जाएंगी और मन की इच्छा भी जो है धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी। आज हमने तीन वो महामंत्र आपके साथ साझा किए जो आई हुई मुसीबत को टाल सकते हैं, हर दुख परेशानी से आपको बचा सकते हैं। वैसे तो हम हर दिन आपको संकटों से बचने का कोई ना कोई महा उपाय देते हैं, लेकिन यकीन मान के चलिए आज के दिन उन तीन महामंत्रों का जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम साबित होगा, आपके हित में होगा और भगवान विष्णु की असीम कृपा ये तीन महामंत्र आपको जरूर दिलाएंगे।